हम आजाद हैं, पाकिस्तान भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। श्री गणेश नमः, श्री ओम नमः, भगवंते वासु वासुदेवाय वीश्वराय। तो ये हमारे रणवीर भाई भी आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। सबसे पहले तमाम फ्रेंड्स को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम वाले हैं ना, तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर महादेव शिव शंकर की मूर्ति। गीता का पाठ हो रहा है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से भंडारा चलाया जा रहा है। इखबारों ये महादेव का हवन पहले आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से तिलक लगवा ली। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड जय श्री राम। तो आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं महाशिवरात्रि का मेला है, हमारे गाँव से कुछ दूरी पर है और हमारे गांव से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं और वो मेला दिखाने वाले हैं महाशिवरात्रि को। हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भाई जो हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक आप लोगों ने बने रहना है और हमारे जो भी दोस्त हैं सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ महाशिवरात्रि की आप सभी को। जी चलते हैं, आप लोगों को मेला दिखाते हैं महाशिवरात्रि का। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ पे बहुत भीड़ है और सब लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं महाशिवरात्रि की जो इन प्रोग्राम था। यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जी, सबके स्वागत के लिए ये बैनर लगाया हुआ है और ये गेट है, इस दरवाजे से अंदर जाते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। और हम भी जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर सभी सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए, देख सकते हैं आप लोग। ये जो है शिव शंकर का बहुत बड़ा मंदिर और आप लोगों को दिखाते हैं इस तरह से अंदर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को दर्शन कराते हैं शिव जी के। और यहाँ पर देखिए यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से, ये बहुत ही बड़ा शिव शंकर का मंदिर, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, नीचे देख सकते हैं आप लोग बहुत भीड़ है, कितनी आवाम आई हुई है सेलिब्रेट करने के लिए महाशिवरात्रि को। और यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं ये देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये महादेव का हवन पहले आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर देखें। हवन हो रहा है महादेव शिव शंकर का और यहाँ पे जो भी अंदर जा रहा है उसको तिलक लगे जा रही है, ये भाई जो तिलक लगा रहे हैं और इस तरह से महादेव शिव शंकर। और यहाँ पर ये सेवा मंडली वाले सेवादारी बैठे हुए हैं। राम भाई कैसे, ठीक है? आपका नाम? प्रकाश। प्रकाश आप सेवादारी हैं, सेवादारी लगाए। राम राम जय शंकर, जय शंकर। तो हमने भी ये देखा फ्रेंड्स इस तरह से तिलक लगवा ली, तिलक बोलते हैं ना, तिलक। तो आपका नाम भाई? रामचंद। रामचंद सेवादारी है ना? रामचंद सेवादारी। कौन सी मंडली से? जय श्री गणेश सेवा मंडल। जय श्री गणेश सेवा मंडल। जय श्री गणेश सेवा मंडल। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, मंदिर के अंदर जाकर शिव शंकर के आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और यहाँ पे देखिए बैनर लगे हुए कुछ इस तरह से, काफ़ी खूबसूरत। और ये देखें अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। और दरवाजे के टाइम में यहाँ पे देखें बिल्कुल सामने में घंटी है। हरिओम हरिओम। और कुछ इस तरह से अंदर का व्यू, तो अभी अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देखें सेवादारी दूध चढ़ा रहे हैं शिव शंकर को। इस
तरह से अंदर भी भीड़ है। हमने तो पहले दर्शन कर लिए प्रभु श्री महादेव शिव शंकर के और गणपति बप्पा के, अभी आप लोगों को दर्शन कराने के लिए आए हैं कुछ इस तरह से। गणपति बप्पा मौर्या, महादेव शिव शंकर। फ्रेंड्स यहाँ पर गीता पढ़ाई जा रही है, वो दिखाते हैं, गीता पढ़ाई जा रही है, गीता का पाठ हो रहा है। अपने शहरों से कहने लगे, जितने तुम हमारे शहरों के लोग हो, सभी की सबकी रक्षा करने वाले हो, और जितने हथियार आने के रास्ते हैं, इन सब रस्तों से भीष्म की मदद करो। दुर्योधन के मुंह से अनेक बहादुरों ने ये लफ्ज़ सुनकर उनको खुश करने के लिए लोगों में जो पूरे भीष्म पितामह है उसने सबसे पहले शेर के खड़ा कर। अब पांडवों की सेनाओं के बाजे बजे, कहते हैं पहले तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान के विराजमान हैं, इस बड़े रथ की सारी सामग्री कच्चन की है और रत्नों से जुड़ा हुआ है। जैसे बरसात के मौसम में बादल गरजते हैं, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज ऐसा हो रहा है। अब पांडवों के स्वभाव कहते हैं कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सबसे पहले तमाम फ्रेंड्स को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इधर जो है मेला बहुत बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है, और ये आसपास के गांव के सभी लोग जो है इधर मेला सेलिब्रेट करने आते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है। तो ये हमारे रणवीर भाई भी आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक भाई, खैरियत से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राम राम भाई। राम राम। कैसे हैं? ठीक सर, आप सुना कैसे हैं? तभी से ठीक सर। नाम? प्रीतम दास सर। प्रीतम दास। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत ही जबरदस्त फीलिंग हो रही है। इस पावन मौके पर हम आए हुए हैं, देख सकते हैं कि हमारे सनातन हिंदू भाई सारे इकट्ठे हुए पड़े, और बहुत सारे ब्लॉगर भी आए हुए हैं, और साथ में हमारे सर भी आए हुए हैं। रणवीर भाई वो भी आए हुए हैं सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम एक साथ इकट्ठा होकर। और ये भी हमारे रणवीर भाई और भी काफी आवाम बहुत आई हुई है यहाँ पर, बहुत ही मजा आ रहा है। और यहाँ पे देखें ये बैनर लगे हुए हैं शिव शंकर के, और ये देखें गणपति बप्पा, महादेव शिव शंकर की मूर्तियाँ यहाँ पर बिक रही हैं, ये भाई बेच रहे हैं। और यहाँ पर शिवलिंग, और यहाँ पर छोटी छोटी सी जो जो छोटी छोटी सी लेते हैं उनके लिए छोटी छोटी सी बजरंग बली की ये तस्वीरें हैं इस तरह से कुछ, और तस्वीरें भी काफ़ी अच्छी हैं। ये देखें ये छोटे छोटे टिकट, छोटी छोटी तस्वीरें ले सकते हैं आप लोग। और जो फ्रेंड्स अंदर मंदिर के अंदर जा रहे हैं ना प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए महादेव के, और वो यहाँ से तिलक जो लगवा कर जा रहे हैं, ठीक है ना, देखो लगा रहे हैं जिस तरह से महादेव का हवन जल रहा है। तो फ्रेंड ये शिव भक्त, आपका नाम? अतरलाल भील तड़ी लाटकी है, यहाँ रहते हैं अकलित्री ब्यादरी हमारी जितनी भी है, शिवरात्रि है हमारी, हम खुशी से इधर रह रहे हैं। चक नंबर 145 भी जिला रहीमयार खान तहसील और सादकाबाद तड़ी लाटकी, इधर हमारा शिव मंदिर है, हम बहुत खुशी से रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आजाद है, इलाके वाले हमारे जितने भी भील है इधर पहुंचे हुए हैं, तहसील के भी, जिले के भी, गांव के भी, चक्कों के भी, इधर टोटली जितने आए हुए हैं। हम ये बात कर रहे हो टोटली आजाद रह रहे हो, आजादी है हमको, एरिया में पाकिस्तान में आजादी है, हम आजादी है पाकिस्तान में ले रहे हो, हम आजाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान जय श्री कृष्ण भगवान की। भाई साहब थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा यार पंडाल
हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए सजाया, तो काफी अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, यहाँ का माहौल देख के काफी अच्छा लगा। और पहले से काफी चेंजिंग आई है इस मंदिर में, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में ये कह रहे हो, आम जितनी भी है हमारे साथ है, हम ये कह रहे हैं हमारा एक का काम नहीं है, टोटली जितनी भी ब्यादरी है अपनी अकलियत है, अब टोटली मिलकर ये मंदिर का मेला बनता है। शंकर भाई साहब, शंकर का भी नारा लगा, जय शंकर भगवान की, जय शंकर भगवान की, जय। यार भूख लगी हुई है, काफी टाइम से आए हुए हैं यार। और यहाँ पे देखे जी प्रीतम शर्मा हमारे, कैसे हैं यार आप? ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हो? फर्स्ट क्लास। यहाँ सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत आनंद आया यहाँ पे मंदिर में का विजिट करके, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा, तो हम भी फ्रेंड्स बहुत दूर से आए हुए हैं, हमें भी बहुत भूख लगी हुई है, अभी भंडारा खाते हैं और बाद में आप लोगों को आगे कभी। ये खाना बनाने वाली जगह है जहाँ पर खाना बन रहा है, अभी देखें कितना खाना बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर खाना खा रहे हैं और इस तरह से बन रहा है। ये सब नहीं बन रही है, जैसे एक खलास होती है फिर नहीं रख देते हैं, देख जो है ना, जैसे एक एक खलास हो रही है वैसे वैसे आगे एक नहीं रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी भंडारा चलने के बाद ना हम आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर भजन और कीर्तन भी होने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे, वो भी सिस्टम किया गया है महाशिव शंकर का, और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना है आप लोगों को। और कुछ इस तरह से भीड़ है देख सकते हैं आप लोग, जितने भी नज़दीक नज़दीक के गाँव वाले हैं ना, तकरीबन कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जितने भी रहने वाले सब आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से भंडारा चलाया जा रहा है, अखबारों पे ना खाना दिया जा रहा है, अखबारों पे ऐसे इस तरह से कुछ आवाम खा रही है। चल प्रसाद, चल प्रसाद, अभी भंडारा चल रहा है, इतनी आवाम खड़ी हुई भंडारे के इंतजार में और इतनी जो खा रही है, वहाँ का आता है वो देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये खा के उठेंगे फिर ये वाली जो आवाम बैठ रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम खाना खा रहे हैं भंडारा, आ जाएं आप भी खा लें। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ इस तरह से भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस तरह से हम लोगों ने एक बार के ऊपर चावल रख के खा रहे हैं। ये हमारे साथ भाई और वहाँ से सब कुछ चुके हैं, अभी खाना खा रहे हैं और इस लाइन में देखो खा रहे हैं और हम भी अभी खा रहे हैं खाना। तो फ्रेंड्स ये बना हुआ है हाल जहाँ पर सत्संग होने वाले, यानी भजन और कीर्तन होने वाले हैं भोलेनाथ के नाम पे, तो ये वो है जगह। हम फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देख बुरे दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बड़े परमार्थी रे शीतल वहाँ के अंग, तपत पुजावे औरों की तो दे सुबत का रंग, बोल शिव शंकर भगवान की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सभी बहन भाइयों को आज मैं आपको प्रार्थना करके सुनाऊंगी। श्री गणेश नमः, श्री ओम नमः भगवते वासु वासुदेवाय वीश्वराय आदि पुरुष अपरम पारले पुरुषाय नमः हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। गोविंद परमानंद चित्तवनासी करना करो, सहस नाम सत नाम आद पुरुष भगवान, मैं हूँ शरण कुमारी। विनती सुन ले हे भगवान, पुकार सुन ले हे भगवान, भक्ति मान ले हे भगवान। हे भगवान जग के बालक, विनती करते हम सब बालक, हम तो छोटे और नदान, देना पर बूझी हमको ज्ञान, बुरे काम से बचे हमेशा भगवान हमको वर दो ऐसा। तुमने सूर्य चांद बनाए, धरती और आकाश बनाए, सबको देता जीवन दान, विनती सुन ले हे भगवान। नमो नमो मैं धरती माई, सारी दुनिया तुम पर थाई, मेवा मिश्री उपजे खेती सब बदारत तुम ही देती, सागर कुआं तुम पर थाया, पीकर जीव सभी सुख पाया, मंदिर महलगर गुफा बनाई, ये सब बहुत तेरे परमाई। माँ बली और धीरज धारी, वारी जाऊं मैं
बलहारी तेरा गुमला सबसे भारी अंत गुंतर अंत न आवे जे कहूं कुछ कथि न जावे तुम पर बाप करे अन्नारी सबका पर्दा कष्टकारी तेरे उतर पर सभी खेले अंत जीवों का भोजा झेले तुमसी भाई और न कोई उदी विचार समझ कर जो भी उठी सवेरे शीश रहूं सबसे पहले तुमको दाऊं चार मतर में तुम मेरी माता योगेश्वर चरण जसगाता हरि ओम शांति शांति। यहाँ पर बैठे मेरे सभी बहन भाइयों को आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और हमें ईश्वर ने ये मौका बख्शा कि आज हम सब साथ होके शिवरात्रि मना रहे हैं। आज मैं आपको तालीम और धर्म के बारे में बताऊंगी क्योंकि तालीम इंसान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। आज का दौर ऐसा आ गया है कि हम तालीम के बगैर कुछ ही नहीं कर सकते। अगर हमारे पास तालीम होगी तो हम और अच्छे और बुरे में फर्क समझ पाएंगे और अपने मजहब पर भी कायम रह पाएंगे क्योंकि अगर हमारे पास तालीम नहीं होगी तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे पास बिहेव ये है कैसे लोग कर रहे हैं और कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है ये हमें पहचान ही नहीं होगी क्योंकि तालीम इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का दौर ऐसा आ गया है महंगाई भी ज्यादा है तो हमें चाहिए कि हम अपनी तालीम पर कायम रहे और अपने बच्चों को भी अपनी तालीम दें और हम और धर्म के रास्ते पर भी चले और सबसे मेरी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को भी पढ़ाए क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अपनी नस्ल आगे सुधारेंगे और वो भी एक बड़े मुकाम तक पहुँच पाएंगे क्योंकि लड़कियों है ना आज का दौर ऐसा आ गया तो लड़कियों को पढ़ा ही नहीं रहे क्योंकि लड़के जो दौर बनाते हैं वो इंसान खुद बनाते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो सब हमारे लिए अच्छे हम बुरी संगत में ना पड़े हम दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करें कि हम अगर हम अच्छे हैं तो दूसरे भी हमें अच्छे ही मिले ऐसा ना करें कि अगर हम मतलब अच्छे हैं तो हम किसी बुरों की संगत उठाए वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे सबसे ये गुजारिश है कि अपनी बच्चियों का भी पढ़ाए अबू की बहुत ज्यादा फरमा बरदार हूँ और अबू का थैंक यू अदा करना चाहती हूँ कि आज वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा रहे क्योंकि आजकल हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को इंटर भी करवा सके मैट्रिक भी करवा सके। चुके हैं यहाँ पर मियारी के कुछ सामान बेच रहे हैं सामान दिखाते हैं आप लोगों को ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कुछ यहाँ का भी चूड़ियाँ वगैरह भी मिलती है यहाँ पर और सब सामान है और फ्रेंड्स यहाँ पे तस्वीरें निकाल के देते हैं 100 रुपए की एक तस्वीर उस टाइम निकाल के देते हैं यहाँ पर देखे खींच रहे हैं अंदर भाई कुछ इस तरह से देखे ये कंप्यूटर लगा हुआ है यहाँ पर ये भाई भी सामान बेच रहे हैं अरे खाती आप हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग सुबह सुबह आप सभी को सुबह हो चुकी है अभी भी हम मंदिर में तो अभी वापस जा रहे हैं रात बहुत ठंड थी ना इसीलिए हम लोग नहीं गए वापस घर और यहाँ पे देखें मंदिर का व्यू ये मंदिर और यहाँ पे ऐसे भीड़ है और काफ़ी आवाम जो है चली गई है अभी हम भी जा रहे हैं घर की ओर तो वीडियो को एंड यहीं पर करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ओके बाय।